आज पूरा एक साल होने को जा रहा है दोस्तों, पर उम्मीद अभी भी बाकी थी। मेरे मन के किसी कोने में एक छोटी सी किरण अभी भी बाकी थी। इस एक साल की दूरी बस ऐसे ही नहीं बनाई थी हमने। सोच बदल गई, जीवन बदल गया और बदल गई है दुनिया मेरी। जी हाँ दोस्तों, साल 2024 मेरे लिए बहुत खास रहा। हाँ, आप सबसे दूरी बनाने की एक छोटी सी चुभन हमेशा रही, और जिसे अब हम सोच रहे हैं कि इस चीज़ को भी पूरा कर दिया जाए। इस 2024 में हमने आप सबसे दूरी बना ली थी। हमें जहाँ तक याद है, हमने पिछले साल के करवा चौथ, जो 2023 का करवा चौथ था, उस पर हमारा लास्ट ब्लॉक था। और उसके बाद बीच बीच में अगर कहीं घूमने गए हैं तो बस अपनी मेमोरी सेव करने के पर्पस से हमने ब्लॉग अपलोड किया, अदरवाइज़ हमने ब्लॉगिंग से दूरियां बना ली थी। इस बीच हमें ये भी पता चला कि हमारे कौन कौन अपने हैं जिन्हें हमारी ब्लॉगिंग बंद करने से हताशा हुई है, जिन्होंने हमसे बार बार रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ आप ब्लॉगिंग करिए, भले ही 2-4 मिनट का ब्लॉग डालिए, पर ब्लॉग अपलोड ज़रूर करिए। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली दोस्तों। तो इस बार बस छोटी छोटी क्लिप ऐसे ही शूट की हैं हमने करवा चौथ के खान पान जो बनाया है पकवान की, और आपके साथ ऐसे ही सिंपली शेयर कर रहे हैं। और मन बनाया है कि हम दोबारा से ब्लॉगिंग करें। दोस्तों, हमने ब्लॉगिंग करना बंद करा था यह सोचकर कि पूरा फोकस हम बच्चों पर देंगे, लेकिन कभी कभी मन में ये कसक भी उठती थी कि बच्चों पर तो ध्यान देना ही है, पर अपने मन को मार कर ऐसा ही क्यों। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो केवल अपने बारे में सोचते हैं और दूसरे जो हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। दूसरों के लिए जीने वालों को हमेशा ही बेहतर इंसान का दर्जा दिया जाता है दोस्तों, लेकिन अगर दूसरों के लिए जीने के साथ साथ थोड़ा सा खुद के लिए भी जी लिया जाए तो इसे खुदगर्जी तो नहीं कहेंगे ना। खासकर यह बात महिलाओं पर ज़्यादा लागू होती है। तुम्हारा कौन सा सपना अधूरा है, खुद के बारे में क्यों नहीं सोचती, ऐसे कई सवाल हैं जिसे आज तक किसी ने आपसे पूछा नहीं होगा। लेकिन आज हम खुद से इन सवालों का जवाब मांगकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, मेरा मानना है कि हम महिलाओं को अपने जीवन की सच्चाई जानने के लिए खुद को समय समय पर चैलेंज देते रहना बेहद ज़रूरी है। अब चैलेंज क्या देना है ये आपकी रुचि पर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा रुचि रही है। शादी से पहले आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि रही है, पेंटिंग में, सिलाई में, कढ़ाई में, कुकिंग में। आप खुद में खुद से बात करके पहले ये पता करिए, या अपनी पुरानी यादें टटोलिए कि आपको किन चीज़ों का शौक़ था, और उसके बाद हम धीरे धीरे खुद के लिए कुछ ना कुछ करके अपने आप को ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस दे के खुद को निखार सकते हैं दोस्तों। तो अब आ जाते हैं ब्लॉगिंग पे। तो आपने देखा होगा यहाँ पे हमने दही बड़े, कढ़ी, रायता, रोटी, चावल, खीर, सारा कुछ, पनीर, आलू की सब्जी, सारे पकवान जो बनते हैं बना के तैयार कर दिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे स्पेशल दिन में हमारी बेटियाँ हमारे लिए कितनी खुश और एक्साइटेड होती हैं। सौम्या ने यहाँ पे एक बास्केट ली है जिसमें जो साड़ी हम पहनने वाले हैं, चूड़ा, मंगलसूत्र, सिंदूर, सारी चीज़ें कितने अच्छे से अरेंज की हैं, और इन्हें कुछ रील्स भी बनानी थी इस तरह से, तो ये चीज़ें पहले से ही अरेंज करके इन्होंने एक दो रील्स बनाई हैं। और आयु भी यहाँ पे बहुत खुश हो रही हैं ये सब देख के। तो ये बात सच है दोस्तों कि बेटियाँ जब होती हैं ना तो वो माँ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखती हैं, और मेरी बेटियाँ जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हैं हर तरह से मेरा ध्यान रखती हैं। इस बार तो मेरे बच्चों ने कुछ अलग ही किया, मेरे सामने तीनों बच्चों ने पानी नहीं पिया। तो दोस्तों, बस यहाँ पे देख सकते हो हम तैयार हो गए थे, और पति जी हर साल इसी तरह हमारी मांग में करवा चौथ के दिन सिंदूर लगाते हैं, और बस इसी तरह हंसते खेलते हमारा ये त्यौहार करवा चौथ का जो पर्व है ये पूरा हुआ। और आशा करते हैं कि आपका भी करवा चौथ काफ़ी अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।